बीजापुर जिले में आश्रमशाला और कोटा केबिन के संचालन को लेकर सभा में डॉक्टर रमन सिंह ने चुनावी संबोधन करते हुए कोटा केबिनों की बेहतर संचालन की तारीफ करते थके नहीं और कहा कि बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए महेश गागड़ा को नहीं मुझे देखकर वोट करें। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजापुर विधानसभा में महेश गागड़ा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बेहतर कार्य किए हैं, लेकिन आदर्श आचार संहिता लगते ही कोटा केबिन के अधीक्षक बेखौफ होकर छात्राओं के राशन की हेराफेरी करते अचानक मीडिया कर्मियों के नजरों में आ गए। मौके पर दो युवकों ने बताया कि वे लगभग 20 किलोमीटर दूरी भरमगढ़ से जंगला कोटा केबिन चावल खरीदने के लिए आए हैं और उन्हें अधीक्षक के द्वारा 600 में एक बोरी चावल दिया गया है और जब अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हमारे कोटा केबिन में पदस्थ महिला कर्मचारियों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान से चावल खरीद कर रखा था जिसे दिया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि भैरमगढ़ का रहने वाला युवक जंगला कोटा केबिन से चावल ले जाते हुए पकड़ाए जाने पर सफाई में उचित मूल्य की दुकान से खरीदना बताया, जबकि सेल्समैन चौतू राम ने कहा कि जंगला कोटा केबिन में प्रत्येक माह 67 क्विंटल चावल का आवंटन दिया जाता है। जंगला से, जंगला कोटा केबिन से कितना में लेके जा रहे हैं? 600। कितना बोरा ले जा रहे? 3 जन का है। 3 जन। हाँ तो भाई ये जो राशन का चावल जो यहाँ लेकर जा रहे हैं बोरी में 3 बोरी है, वो कहाँ से आया और कौन किसके लिए? खरीद के रखी थी सर। अच्छा अच्छा, तो वो लड़के भैरमगढ़ से आ रहे हैं? बुलाए थे भाई ले। अच्छा अच्छा, कौन से सोसाइटी से लिए थे? जंगला। जंगला सोसाइटी से। कौन है सोसाइटी वाले का नाम बताएंगे? उसका पूरा नाम नहीं जानते। अच्छा, जंगला सोसाइटी से लिए ना। कब लिए कुछ मालूम है चावल आप? हो गया सर, ले गए वो मन धान काट रहे थे तो लेट हुआ। लगभग कितने दिन हुआ? 1 महीना 2 महीना? ओ 1 महीना जैसे हुआ है, 1 महीना पूरा नहीं हुआ है।